भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज्जा बॉम्ब की रेसिपी, और जिसे हम घर पे बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इसमें आज मैंने ना मैदा यूज किया है और ना ही आटा यूज किया है। इसे आज मैंने बनाया है सूजी से, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया पिज्जा बॉम्ब बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिज्जा बॉम्ब बनाने के लिए यहाँ हमने ना आटा यूज किया है, ना ही मैदा यूज कर रहे हैं हम। यहाँ हमें लेना है 2 कप सूजी, और आप चाहें तो बारीक वाली सूजी भी ले सकते हैं। और यहाँ मेरे पास जो नॉर्मल सूजी आती है वही सूजी है। तो इसे हम क्या करेंगे कि अभी हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के और एक बार पीस लेंगे। तो हमने इसे अभी जार में ले लिया है और अब पीस लेते हैं इसे। तो हमने यहाँ सूजी को पीस के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं बारीक हो गई है अभी ये। तो इसे हम ले लेते हैं अभी बॉल में। अब इसमें हम यहाँ 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच नमक। ये पिज्जा बॉम्ब हम बिना ईस्ट के बना रहे हैं, तो यहाँ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे हम इसमें, फ्रेश दही डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अभी ये थोड़ा सा गीला है, लेकिन सूजी ली है हमने, तो 1/2 घंटे जब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, डो बनके तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए यहाँ हमने लिया है 1/2 चम्मच ओरिगैनो, मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से, और थोड़े से यहाँ हम चिली फ्लेक्स भी ले रहे हैं, मिक्स कर देंगे इसे भी। तो सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसे कवर करके और 1/2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो 1/2 घंटा हो चुका है और हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा डो बिल्कुल अभी तैयार है। तो इस पे हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे और अच्छे से मसल लेंगे। डो हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगा के तैयार करना है, थोड़ा स्टिकी रहता है लेकिन इससे हमारे पिज्जा बॉम्ब बहुत अच्छे बनेंगे। थोड़ा सा और ऑयल ले लेंगे हम हाथ में, और एक बार फिर से मसल लेंगे। तो हमारा डो बिल्कुल तैयार है, और अभी हम इसे पीसेस में अलग कर देते हैं। 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है, और इन दोनों पार्ट्स को हम फिर से छोटे छोटे बॉल्स बना के और तैयार करेंगे। तो टोटल डो को हमने यहाँ पे 8 भागों में डिवाइड कर लिया है, यानी 8 बॉल्स इसके बना के तैयार कर लिए हैं। और इसे हम रख देते हैं एक तरफ, और पिज्जा बॉम्ब्स की जो फिलिंग के लिए हमें तैयारी करनी है वो कर लेते हैं। यहाँ मैंने शिमला मिर्च ले ली है कुछ कटी हुई। अरे, पिज्जा बॉम्ब के लिए हमने डो बिल्कुल तैयार कर लिया है, बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। उसके बाद हमें फिलिंग की तैयारी करनी है, यानी उसके अंदर हमें कुछ शिमला मिर्च लेनी है छोटी छोटी काट के, प्याज ले लिए मैंने यहाँ पे, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं मकई के दाने बॉईल करके ले लिए हैं मैंने इनको। और अब उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा बटर ले लिया है, और इस बटर में सीजनिंग मिला लेते हैं। यहाँ पे मैंने ओरिगैनो लिया है, ओरिगैनो मिक्स कर देते हैं 1/2 छोटी चम्मच इसमें। उसके बाद चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम कुछ 1/2 छोटी चम्मच, और 1/2 छोटी चम्मच पिज्जा सीजनिंग डाल देंगे हम इसमें, मिक्स कर देते हैं हम इसे। तो ये बटर हमारा बिल्कुल तैयार है अभी, सभी चीजों को एक तरफ कर लेते हैं। एक बॉल ले लेते हैं हम यहाँ,
और इसे हम बेल के तैयार करेंगे। यहाँ मैंने कुछ सूखा आटा ले लिया है, सूखे आटे से कोट करके और हम इसे बेलेंगे। ये हमने पूरी की साइज का बेल के तैयार कर लिया है। अब बीच में हम थोड़ा सा बटर लगा देते हैं जो हमने तैयार किया है अभी सीजनिंग मिला के। उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस मिक्स कर लेते हैं, इसमें थोड़ा स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ, किनारे छोड़ देना है हमें इसमें। उसके बाद हमें लेना है कुछ शिमला मिर्च और थोड़ी सी प्याज बारीक कटी हुई, कुछ कॉर्न के दाने और इसके बीच में हमें रखना है चीज़ क्यूब। इसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़ी पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स और अभी हमें इसे इस तरह से पैक कर देना है। दोनों कोने पहले मिलाएंगे और सभी कोनों को अच्छी तरह से हम सील कर देंगे। और इसे हम एक तरफ रख देंगे और इसी तरीके से सारे हम पिज़्ज़ा बॉल्स बना के तैयार करेंगे। तो हमारा ये लास्ट पिज़्ज़ा बॉल भी हम पैक करके और तैयार कर लेते हैं। सभी कोने अच्छे से सील कर दीजिए, कहीं से खुला नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, हमने हमारी जो 8 पिज़्ज़ा बॉम है वो बना करके और तैयार कर दिए हैं। अभी हम इसे बेक करेंगे, तो इसे हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन सभी को हम एक तरफ रख देते हैं और कढ़ाई को हम प्री हीट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने नमक डाल दिया है, ये मैंने पहले भी यूज़ किया है नमक। इस पर हम एक स्टैंड रखेंगे इस तरीके से और इसे हम प्री हीट होने के लिए रख देते हैं। तो इसमें मैंने लिड लगा दिया है और गैस ऑन कर दिया है और 10 मिनट तक हम इसे प्री हीट करेंगे। ये थोड़ा बटर हमने बचा लिया था और इसे अब हम यूज़ करेंगे। जो हमने पिज़्ज़ा बॉम बना के तैयार किए हैं उस पर हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो जब तक हमारी कढ़ाई प्री हीट होती है तो हम बटर से एक बार इसे ब्रश कर लेते हैं। तो ये बटर अच्छे से हमने इस पे लगा दिया है। तो हमारी कढ़ाई अच्छे से प्रीहीट हो चुकी है, लेड हटा के और सावधानी से हम इसमें रख देंगे ट्रे को। और फिर से कवर कर देते हैं इसे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें 20 मिनट तक बेक करना है। फ्रेंड्स, 25 मिनट हो चुके हैं, यानी 25 मिनट्स हो चुके हैं हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब्स को बेक होते हुए और आप देख सकते हैं साइज में डबल हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो गैस ऑफ कर देते हैं हम अभी। बहुत अच्छी तरह से ये बेक हो चुके हैं। अब लेड हटा करके और बहुत ही सावधानी से हम इसे एक प्लेट में ले लेंगे और प्लेट में लेने से पहले एक बार हम इस पे बटर लगा देते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया पिज़्ज़ा बॉम बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत अच्छा कलर आया है इसमें। और पहला बैच हमारा रेडी हो चुका है और दूसरा बैच हम इसी तरीके से बेक करेंगे।
सारे पिज्जा बॉम्ब बनके बिल्कुल तैयार हैं, अच्छे से बेक हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है इनपे, आप देख सकते हैं। और इनको बनाना आपने देखा कितना आसान है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये, तो आप ज़रूर बनाइएगा। बस कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए जब आप डो लगा रहे हैं, तो यदि आपको लगता है कि डो थोड़ा लूज़ है तो आप उसमें सूजी मिक्स कर दीजिए, या गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं उसमें, और आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल हो तो। और यदि आपको लगता है कि आटा थोड़ा सा टाइट हो गया है तो थोड़ा सा दूध या दही आप यूज़ करके और उसे सॉफ्ट बना सकते हैं। तो बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छे आप पिज़्ज़ा बॉम्ब घर पे बना के तैयार करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।